एनडी आयुर्वेद विशेषज्ञ डॉक्टर विक्रम चौहान, प्लैनेट आयुर्वेद के सीईओ और संस्थापक का यह वीडियो न केवल मेडिकल छात्रों और डॉक्टरों के लिए है, बल्कि सामान्य लोगों के लिए भी है। उन सामान्य पौधों को जानने के लिए जिन्हें आसानी से हमारे घरों में उगाया जा सकता है और जो हमें स्वस्थ रहने में मदद करते हैं और बीमारियों से भी दूर रखते हैं। यह पूरा वीडियो जरूर देखें और साथ ही इस सीरीज के अगले वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें। साथ ही ज्यादा से ज्यादा लोगों की मदद करने के लिए शेयर भी करें। पेन के लिए निर्गुंडी जो है बहुत यूजफुल है, क्योंकि वात शामक है ना। निर्गुंडी क्वाथ या निर्गुंडी के पत्र का स्वरस संभालू बोलते हैं इसको, है ना। पित्त, कोई भी पित्त वाली डिजीज हो उसमें आमलखी देना ही देना है। आप कहते हैं ना, आमले का खाया और बुजुर्गों का कहा, बाद में ही समझ में आता है जब आप खुद बुजुर्ग हो जाते हो। तो जिसको इजेक्शन फ्रैक्शन में कमी है, जिसके दिल में कमजोरी है, जिसको पालपिटेशन होती है, घबराहट होती है, तो ब्रह्मी जरूर दें साथ में। तो ये अर्जुन जो है, अर्जुन की छाल का शीरपाक देना होता है। इसके बारे में ये है कि ये इतना रिच इन न्यूट्रिशन है, मोरिंगा लीव्स सुपर फूड इसको बोलते हैं। इसमें इतना विटामिन ए है, गाजरों से 15 गुना ज्यादा है। इतना विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है जो किसी में नहीं है। ये निर्गुंडी आम लगा हुआ है, चेस्ट ट्री बोलते हैं इसको, चेस्ट ट्री, है ना, क्योंकि ये फीमेल हार्मोन्स को भी बैलेंस करता है, प्रोजेस्टेरोन को बढ़ाता है, एस्ट्रोजन को कम करता है। पेन के लिए निर्गुंडी जो है बहुत यूजफुल है, क्योंकि वात शामक है ना। निर्गुंडी क्वाथ या निर्गुंडी के पुत्र का स्वरस संभालू बोलते हैं इसको, है ना, वाइटस एग्नस कैस्टस, इसका पूरा लैटिन नेम ये है, वाइटस कैस्टस एग्नस, है ना। वर्बिनेसी फैमिली का प्लांट है। इसमें भी जो प्लांट के पत्ते जो हैं, आप फ्रंट से देख, तीन पत्ते ना, ब्रह्मा विष्णु महेश, वात पित्त कफ को बैलेंस करने वाले हैं, पित्त रस और पित्त क्षय रस है। और कटु और ओशन वीर्य, और इसके बैक पे थोड़ा सा ना लाइट है, फ्रंट पे थोड़े डार्क है, दूर से पहचान हो जाएगी। पीछे थोड़ा आप देखोगे ना पिछली साइड तो वाइट इसलिए, तो आसानी से इसका जो वृक्ष है लगभग 15 फुट, शुभ कह सकते हैं इसको, शुभ ना। इसके बाद आ गया आमलकी, है ना। तो आमलकी जो है, इसके बारे में तो एक दिन लग सकता है, आमलकी का तो जितने मर्जी गुण गाए जाओ खत्म नहीं होते। तो पित्त शामक है बस, मोटा मोटा आप ये याद करो, तो कोई भी पित्त वाली डिजीज हो उसमें आमलकी देना ही देना है। अमल पित्त हो, चाहे आईटीपी हो, चाहे आप कोलाइटिस में भी दे सकते हो, है ना। मेदे भी है, वैसे भी रसायन है। आप कहते हैं ना, आमले का खाया और बुजुर्गों का कहा, बाद में ही समझ में आता जब आप खुद बुजुर्ग हो जाते हो, जब आप खुद लेक्चर देने लग जाते हो। तो यंग एज में, बचपन में आमला खाओगे तो कभी भी बीमार नहीं पड़ोगे। तो फुल ऑफ विटामिन सी, दुनिया में सबसे ज्यादा विटामिन सी इसी में है, तो इट्स फुल ऑफ नेचुरल विटामिन सी। उसके बाद ये अर्जुन की छाल जो है, वर्ल्ड का रिचेस्ट सोर्स है नेचुरल कोएंजाइम Q10, है ना। CoQ10 जो है वो हार्ट को ताकत देता है। तो जिसको इजेक्शन फ्रैक्शन में कमी है, जिसके दिल में कमजोरी है, जिसको पालपिटेशन होती है, घबराहट होती है, तो ब्रह्मी जरूर दें साथ में, क्योंकि स्ट्रेस का कंपोनेंट भी होता है ना, तो उसके लिए ब्रह्मी दें। जिसको एंग्जाइटी वगैरह से पालपिटेशन है, जिसको वैसे फिजिकली वीकनेस है हार्ट की, उसको ये उसका इजेक्शन फ्रैक्शन बढ़ा देगा। उसका ये ऑक्सीजन डिमांड नहीं बढ़ाता। नॉर्मली क्या होता है कि मॉडर्न इंडस्ट्री हार्ट फेलियर में क्या देते हैं कि वो डिजिटलिस देते हैं, हृत पत्री का स्वरस देते हैं, डिजिटलिस प्रोप्यूरिया जिसको बोलते हैं ना, उसको संस्कृत में हृत पत्री बोलते हैं। तो वो डिजिटलिस से क्या होता है, ऑक्सीजन डिमांड बढ़ जाती है हार्ट को, जैसे हंटर मार मार के चलाने वाली बात है, वो टेम्पररी अरेंजमेंट है जो डिजिटलिस है, जितना दोगे उतना चलेगा, बाद में नहीं चलेगा। तो ये जो है उसकी ऑक्सीजन डिमांड नहीं बढ़ाता, उसकी उसको एनर्जी देता है प्रॉपर। तो ये अर्जुन जो है, अर्जुन की छाल का शीरपाक देना होता है।
अर्जुनेटोसाइड्स, अर्जुनेटिनिन, ये सब इसके जो कार्डियोग्लाइकोसाइड्स हैं। कार्डियोग्लाइकोसाइड्स वो होते हैं जो कि पंप फंक्शन को इम्प्रूव करें। ये दशमूल का एक और द्रव्य है गंभारी, जिसको बोलते हैं जिमेलिना अर्बोरिया है। तो ये पेन के लिए आप इसको, इसकी बार्क को और इसकी जड़ को यूज करते हैं। जड़ को अब इतना बड़ा प्लांट हो गया जड़ नहीं यूज कर सकते, तो इसकी खेती करते हैं, छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं तब इसकी जड़ लेते हैं, या तो उस समय लो या इसकी फिर बार्क का आप प्रयोग कर सकते। वेदना शामक है ना, ये भी गंभारी है। इसका बहुत बड़ा पेड़ होता है, लगभग 60-70 फुट हो जाता है। ये भी गंभारी है, वो शालमली का, सलमेलिया मलबेरिका ना। इसके तने के ऊपर बहुत स्ट्रांग कांटे होते हैं, तो इसको जो इसके जो कांटे होते हैं उसको एक्ने में यूज करते हैं इसके काट के। और इसका जो जब छोटा होता है तो उसको सेमल मूसली भी बोलते हैं। सेमल मूसली बल के लिए बम्बैक्स। तो इसकी जो जड़ है वो प्लांट बेस्ड प्रोटीन है और स्ट्रेंथ के लिए बहुत अच्छे रेड कलर के इसमें फ्लावर्स आते हैं। मोचरस भी, हाँ, इसमें से निर्यास निकलता है मोचरस, पेन के लिए बहुत यूजफुल है, पाइज में ब्लीडिंग को रोकने के लिए, है ना, रक्त स्तंभक मोचरस जो है। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मोचरस काफ़ी पॉपुलर है और काफ़ी यूजफुल भी है। मोचरस की हम यूज़ करते ही हैं प्रैक्टिस में, है ना, ब्लीडिंग को रोकने के लिए। ये फिर से तीन पत्तों वाला आ गया प्लांट, है ना, शिव भगवान की आराधना करने के लिए बेल के पत्थर चढ़ाते हैं ना। बेल पत्थर जो है डायबिटीज के लिए बहुत अच्छे हैं, वेट लॉस के लिए अच्छे हैं, सारा मेटाबॉलिज्म ठीक करने के लिए बेस्ट है, कैंसर के लिए भी अच्छे हैं, कैंसर में भी यूजफुल है। बेल पत्र दशमूल का द्रव्य है, तो मूल भी इसका यूज होता है। बेल की गिरी का जो चूर्ण है वो हम यूज करते हैं पेट के लिए। पका फल जो है वो पेट साफ करने के लिए, कच्चा फल जो है उसको ग्राही तम्बन के लिए। तो इसलिए बिल जो है तीन पत्तों में ड्राई एनर्जीज है ना। कांटे होते हैं इसके बड़े बड़े, ईगल मार्मिलोस, इसका लैटिन नेम है ईगल मार्मिलोस। ये वही हार सिंगार आ गया है ना, और इसके बाद आपको ये शिग्रु आ गया, शिग्रु सुहंजना मोरिंगा ओलिफेरा। तो हमारी लीफ की सब्जी भी बनती है, साउथ इंडिया में दाल में डालते हैं, साउथ इंडिया में सांभर में डालते हैं, साउथ इंडिया में हर 24 घंटे खाते रहते हैं इसको। इसकी सब्जी भी बनती है ना, नॉर्थ इंडिया में इसको कम ही लोग जानते हैं, है ना, यहाँ पे करी पत्ता ही होता है, यहाँ पे करी पत्ता ज्यादा। सहजन बोलते हैं ना, मोरिंगा ओलिफेरा सहजन, लोग पत्ते की सब्जी, फलियों के भी, यूपी में, बिहार में भी, यहाँ पे कोई कंस्ट्रक्शन वर्कर पीछे लगे हुए हैं, सारा पेड़ हमारा खा गए वो। फलियां खाते हैं वो, बिहार के हैं, यूपी के हैं, कुछ कंस्ट्रक्शन वर्कर हमारे आसपास लगे हैं, वो हर रोज आते हैं इसके तोड़ के ले जाते हैं। पंजाब के लोग नहीं, कम यूज करते हैं सहजन की फलियां। हाँ, इसके बारे में ये है कि इतना रिच इन न्यूट्रिशन है मोरिंगा लीव्स, सुपर फूड इसको बोलते हैं। इसमें इतना विटामिन ए है, गाजरों से 15 गुना ज्यादा है, इतना विटामिन बी कम्प्लेक्स है जो किसी में नहीं है, इतना विटामिन सी है जो हर, मतलब की कहते हैं ना, जो न्यूट्रिशन से रिच है। तो बी कम्प्लेक्स भी सारा है, विटामिन सी भी है, विटामिन ए भी है, विटामिन ई भी है, तो मल्टी विटामिन है। रोज इसके थोड़े से पत्ते खा लिया करो, मल्टी विटामिन की जरूरत नहीं है ना। इसका सूप साउथ ईस्ट एशिया में, इधर थाईलैंड में, सिंगापुर, मलेशिया में, क्यूजीन में भी बहुत यूज होता है। इसके बारे में ये भी पॉपुलर है कि एक यही प्लांट था, एक जिंको बैलोबा था, ये प्लांट था जो न्यूक्लियर अटैक को भी बर्दाश्त कर सकता है ना, जिंको बैलोबा भी और ये भी। हाँ, बुलाता अगर ओवरडोज हो जाए तो इसके पत्तों का स्वरस प्लाना है, और ये इसको अगर काट के यहाँ लगाएंगे तो ये उग जाएगा इजिली, इतनी जल्दी, सबसे स्पीड है इसकी ज्यादा,
इसको लगाए हुए कितने साल हो गए होंगे आपके हिसाब से? चार साल। इसको एक साल हुआ अभी। और सामने जो शिगरू लगे ना, उनको छह से भी नहीं हुए अभी, तो चंदन को लगाए छह साल हो गए। नाउ यू कैन कंपेयर, है ना, कि कितना फर्क है। ये खदीर जो है ना, खदीर जो है वो बाल पत्थर भी बोलते हैं इसको, छोटे 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 पत्ते होते हैं, बहुत ही छोटे पत्ते हैं इसमें, है ना। खदीर अरेस्ट ब्लड प्योरीफायर है, ठंडा होता है, ठंडा और स्ट्रिंजेंट है, और स्किन के लिए बेस्ट है। खदरा दी वट्टी बनती है क्योंकि स्ट्रिंजेंट है ना, माउथ अल्सर्स के लिए, गले के लिए, थ्रोट इन्फेक्शन में, कोई भी इन्फेक्शन हो थ्रोट का, तो ये आप स्क्लेरोडर्मा में इसको जरूर यूज किया करो। कोई भी स्किन एटॉपिक डर्माटाइटिस है, स्किन हीलिंग नहीं हो रही, तो खदरा रिस्ट आपने यूज करना, ठीक हो गया। ये जमाल गोटा जेट्रोफा के जो फल लगते हैं, तो परगेशन के लिए ये हो गया। पलाश दाग के तीन पात हैं, बुटिया मोनोस्पर्मा, इसके जो की जो निकलती है ना रेजिन, बुटिया मोनोस्पर्मा की जो गोंद निकलती है उसको बोलते हैं कमरकस। कमरकस जो है वो भी बहुत स्ट्रांग एंटी इन्फ्लामेटरी पेन के लिए, कमर पे ही बांध लेते हैं कि तो पेन के लिए, बैक पेन के लिए, है ना। कमरकस की गोंद जो है वो यूज करते हैं, इसके बाहर पे कट लगाते हैं, गोंद निकलनी शुरू होती है सर्दियों में खास करके। इसकी पहचान बहुत ईजी है, कंपाउंड लीफ है, और तीन ढाक के तीन पत्ते बोलते हैं ना, ये तीन पत्ते हैं। आप ये दिखा दो, ढाक के तीन पात, ये दिखा दो, कंपाउंड लीफ है। बुटिया गम के नाम से फेमस है बहुत, इसके फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट बोलते हैं इसको, बहुत सुंदर इसके फ्लावर्स है ना, रेड रेड आते हैं। जब कोई सिटी नहीं था ना हमारे नॉर्थ इंडिया में, तो यही लगा होता, सारे फॉरेस्ट इसी से भरे हुए थे, सारा काट काट के सिटी बन गया है। फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट बोलते हैं। हाँ, इसके जो पत्ते है ना, इसका एक टेस्ट लेते हैं जो फादर इन लॉ होता है अपने सन इन लॉ का, इसका को बोलता है कि इसका पत्तल बना के दिखाओ, अगर तो बना सकता है तो कोई री मैरिज होएगी। इसको सर्विंग इस बाउल भी है ना, ये इससे आप बाउल बाउल बना सकते हैं। बनाना लीफ भी होता है और ये प्लाश, क्योंकि इसके बड़े बड़े पत्ते हो जाते हैं इतने इतने, उससे आप बना सकते। तो अगर किसी लड़के को बनाना आता तब उसकी शादी होगी, नहीं तो नहीं होगी। उटज उटज गनवटी इसकी बनती है ना। तो मेरे ख्याल से अब आज के दिन के लिए काफी है, बहुत अभी 70 कर ली, 70 अभी बाकी है, तो 70 हम फिर कभी दोबारा करेंगे। तो मैं विश करता हूँ कि आप लर्न करो मेडिसिनल प्लांट्स के बारे में, ना सिर्फ आप लर्न करो बल्कि जो बाकी के लोग हैं जो इस वीडियो को देखेंगे, इंडिया के लोग हैं, इंडिया के बाहर के लोग हैं, और अपने घर में कोई दो चार प्लांट्स तो लगाओ, उसका दो चार प्लांट लगाओगे कुछ तो बेनिफिट उठाओ। बाकी नेक्स्ट एपिसोड में आपको बाकी के दिखा दूंगा, ठीक है कि नहीं। थैंक यू। Planet Ayurveda, founded in 2002 by Dr. Vikram Chauhan, MD Ayurveda. Dr. Vikram Chauhan ka ek hi motive hai, har ghar Ayurveda. Planet Ayurveda ke zariye Dr. Vikram Chauhan Ayurveda ko duniya ke har kone mein pahunchate hain taki log naturally healthy life jee sake. Planet Ayurveda ka head office Mohali, Punjab mein hai. Planet Ayurveda pure planet par Ayurveda ko promote kar raha hai. Bimari koi bhi ho, fatty liver, liver cirrhosis, ulcerative colitis, ITP, chronic kidney, skin, lung diseases, neck, back, knee pains, arthritis, psoriasis, migraine, gynae problems, diabetes, belly fat ya aur koi. Solution sirf ek, pure planet ke logon ki sehat ka number one saathi. अब घर बैठे ऑनलाइन कंसल्टेशंस करें टॉप एमडी आयुर्वेदा स्पेशलिस्ट के साथ, इंडिया का बेस्ट ऑनलाइन आयुर्वेदिक क्लिनिक, और पाए सारी आयुर्वेदिक मेडिसिंस की होम डिलीवरी वर्ल्ड वाइड। प्रॉब्लम कोई भी हो, सलूशन सिर्फ एक, www.planetayurveda.com।